यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से हिजब्बुल मुजाहिदीन के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान अहमद रजा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अहमद रजा हिजब्बुल मुजाहिदीन के कैंप में जाकर ट्रेनिंग लेने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसके फोन से कई संदिग्ध नंबरों से बातचीत के इनपुट मिले हैं। वहीं अहमद रजा के परिवार का कहना है कि 1 अगस्त को वह पास के गांव करनपुर में कपड़े लेने के लिए गया था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार वालों के मुताबिक वह बेकसूर है। अहमद जी, शाहरुख को पुलिस ले गई है। हाँ। शाहरुख आपका बेटा है? हाँ, बेटा। बेटा है ना? हाँ। शाहरुख क्या करता था और पुलिस क्यों ले गई, कुछ पता है आपको? इमामत करता था। इमामत करता था मस्जिद के अंदर? हाँ। तो अब कितने साल से वो आपके साथ नहीं रह रहा था? वो 3 साल से न रह गया था। इससे पहले उसने क्या क्या काम किया यहाँ पे रहकर? पढ़ाई करी थी हिंदी में भी और उर्दू में भी, और फिर उन्हें शादी कर ली तो हमने उसे बेदखल कर लिया। हमने हमारे बगैर बूझे शादी कर ली उन्हें, एक औरत से मध्य प्रदेश की, तो हमने उसे बेदखल कर दिया। फिर वो कभी कभार आ जाता था एक आध दो दिन के लिए बस। तो आपको पता था कि शाहरुख बाहर रहकर क्या काम कर रहा है? हमें कुछ मालूम नहीं, कभी कुछ बताया? जब यहाँ पर आता था उससे बातचीत तो होती होगी? हम कम बोले थे, हम बोलते ही ना थे ज्यादा। खाना पीना बातचीत सबसे ज्यादा किससे करता था घर में? वो किसी से ना करता था, अपने थोड़ी बहुत करा था। जब सब कोई बात कहे क्या वैसे कब उसे छोड़ दे खेती किसानी कर, और पैसे भी अपने लग जा 2-4 हज़ार रुपये में क्या हो गया तेरा, अपना खर्चा कर, अपनी बहू को बाहर रख लिया और घर में रख ले ला कर। तो उसकी बीवी आती ना थी, वहीं रखती वो तो अपनी हो रही। उसकी पत्नी एक बार आई यहाँ पर? हाँ, आई थी। तो क्या पत्नी से बातचीत हुई, वो क्या करता था वहाँ पर? पत्नी का ये कह रही पढ़ाते हैं हम दोनों ने भी। कहाँ, स्कूल में या मदरसे में? मदरसे। कहाँ कहाँ रहा है वो? कुछ हाँ पता नहीं इस बारे में कहाँ कहाँ। तो मध्य प्रदेश का तो पता है आपको? हाँ, बस इतने पता है। अच्छा, उसने पढ़ाई कहाँ कहाँ की उसने? संबल में की। और हैं करी गाँव गोरखपुर। इसके अलावा और कोई शहर? कोई ना, शहर में ना। अच्छा, उसका जो संबंध जोड़ा जाता है वो ये भी पता है वो कश्मीर में भी रहा था? हाँ, मालूम ही ना। नहीं मालूम आपको? अच्छा, अब आपको जो पुलिस ले गई तो पुलिस कुछ बता के ले गई थी, क्यों ले जा रहे हैं? ना कुछ नहीं ले गई, हमारे घर से ले गई, नहीं गई कानपुर के अड्डे से ले गई। ये हमारे घर आए, बोले कौन से कमरे में आ रहा था, उनकी इस कमरे में आ रहा था, जो उसका सामान था वो ले गए, जो उसके पार्ट पार्ट थे और वो था क्या नाम लहंगे वही, और मेरे कमरे में से हमारे मोबाइल के डिब्बे थे पुराने वो ले गए, हमारे मोबाइल ले गए, मेरी लड़की शादी से जा उसका मोबाइल ले गए, इसके पापा का मोबाइल ले गए, सबके मोबाइल ले गए, उसका मोबाइल तो एक ही था और मोबाइल तो हमारे थे सबके। अच्छा, घर पर रह के कभी वो मोबाइल से बात करता था तो आपको? ना, हमारे सामने कभी बात नहीं थी। गांव में किसी और लोगों से संबंध हो जिससे पता हो कि शाहरुख क्या करता था? बच्चों के साथ रहता था, छोटे बड़े बच्चों के साथ। अपनी हम उम्र के साथ नहीं रहता था? ना। कितने समय से घर से बाहर रहा वो, कितनी उम्र से चला गया था वो? ऐसे 12 साल से चला गया था। 12 साल से? तो 12 साल से गया, आप तो अभी कह रही है 3 साल से बाहर है वो? ना, जैसे पढ़ने तो गया, जैसे भोजपुर में, जैसे उधारी में। हाँ, वो जगह बताओ जहाँ जहाँ पढ़ाई की है मदरसे की। अच्छा, संबल कितने दिनों रहा था? संबल कितने दिनों रहा? संबल रहा 3 साल। अच्छा, ऐसा क्या हालात बने जो उसे बेदखल करना पड़ गया आपको? हमने इस वजह से करा उसे बेदखल, वो बीवी कर लिया बगैर बताए, हमारे चाल फेर की बीवी थी वो, सही नहीं थी वो औरत, कई जगह उसको आदमी थे, वो बच्चे भी छोड़ छोड़ कर आई थी वो बाहर ही लेके जाती थी उसे बाहर ही। हम कहते थे घर रहो और रहो तो तुम इस तरह खेती किसानी करो। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगमा है। नगमा, ये बताइए जो अहमद रजा है आपके कौन है? मेरे भाई हैं, मुझसे छोटे। अच्छा, ये बताइए आप कितने भाई बहन? 6 बहन भाई हैं। भाई कितने? 3 भाई 3 बहन। अच्छा, तो ये जो अहमद रजा हैं इनको एटीएस ने जो पकड़ा है उसका कहना है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी हैं, यानी कि दहशतगर्द हैं। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और उन्हें उड़ाया गया है, ये झूठी अफवाह है। अच्छा। सिर्फ उनकी दाढ़ी है इसलिए पकड़े गया है, और वो ऐसे नहीं है। वो कपड़े खरीदने गए थे, उनसे बोले कानपुर पे क्या आओ गाड़ी में बैठो, वो सीधे दिल, वो ऐसे होते तो वो बैठते नहीं, भागते, छूट के भागते, वो गाड़ी में आन के सच्चे दिल से बैठ गए और उन्हें ले गए। आप कह रहे हैं मुरादाबाद से पकड़ा था?
अच्छा, और पकड़ा है करणपुर से, वो फोटो उसमें सीटी कैमरे में भी आ गए हैं। वो जा वहाँ पास का गांव है, हाँ करणपुर हमारे पास का गांव है। ये क्या करने गए थे वहाँ पे? कपड़े खरीदने गए थे, वो कपड़े भी ले गए वो अपने साथी। अच्छा हाँ। तो ये जो भाई हैं आपके, शादीशुदा हैं कि क्वारे हैं? शादीशुदा। कितने बच्चे इनके? एक लड़की है। इन्होंने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की? करणपुर से, यहीं से पास के गांव। हाँ पास के गांव से। क्या कोई दीनी कोर्स किया या हाई स्कूल इंटर किया? इन्होंने हिंदी पढ़ी है और गांव से उर्दू पढ़ा है, गांव के मदरसे से। अच्छा। जो जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं वैसे ही पढ़े हैं, जैसे सबके बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़े हैं ये भी। ये कोई मदरसा चलाते हैं या नहीं? कहीं इनका कोई मदरसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो और कहाँ कहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं? सिर्फ इमामत इन्होंने जयपुर में किया है और राजस्थान में किया है। शादी कहाँ से की इन्होंने? शादी रतलाम से इन्होंने, हमारी बगैर मर्जी से शादी करी है। अच्छा, तो वो बीवी बच्चे इनका कहाँ है? वो अपने मैके में है। अच्छा, ये तो ये यही रहते हैं? वो कब से गए हुए हैं? उन्हें अंदाजन कितने दिन हो गए? अंदाजा 6 महीने हो गए होंगे इनकी बीवी बच्चों। हाँ, ये यही रह करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं। मतलब ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को या आसपास के गांव के? ये बाहर जाकर पढ़ाते हैं। कहाँ जाके? जैसे जैसे बाहर कहीं भी ट्यूशन मिल जाता। अच्छा। और ब्यासा खेती किसानी करते हैं, जब के फसल नहीं होती है तो जाते हैं। कितनी जमीन है? जमीन हम पे 10 बीघे। अच्छा, और चचा की जमीन है, हमारी जमीन है, आपकी हमारी भी है, तो हम चचा की भी लेते हैं ना, रेट पे लेते हैं, तो वो भी बोते हैं। आपके पिता माता है? हाँ पापा भी है, मेरी मम्मी भी है। ये बताइए, जैसे वो कह रहे हैं कि ये उनके मुतासिर था, नहीं अफगानिस्तान ट्रेनिंग जाने के लेने की सोच रहा था? अफगानिस्तान कहीं नहीं गएंगे, जब से इनकी शादी हुई है इनकी बीवी सिर्फ अजमेर शरीफ लेकर गई है, वो वहीं पे रहती है ज्यादातर। और क्या नाम ले मैं, राजस्थान और जयपुर। ये अब हाँ। कितने दिनों से रह रहे थे? अभी 1 महीना हो गया इन्हें। हाँ, और रमजान भी रखे थे इन्होंने, बस 2 दिन के लिए गए थे। उससे पहले कहाँ रह रहे थे? उससे पहले कहाँ रह रहे थे? कहाँ पे इमामत वगैरह कर रहे थे? उससे पहले इमामत नहीं, रमजान का महीना यहाँ ही थे। फिर मैं अपने घर थी ना, मेरी शादी हो हुई है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, जैसे इन पर आरोप लगाए हैं, ये सब झूठे लगाए हैं, ये दाढ़ी की वजह से बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, छोटे बच्चों को उठा के ओके मुसलमान के मुसलमानों पर अबो कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, ये जहाँ तहाँ से बच्चे उठा रहे हैं, सितम कर रहे हैं बच्चों पे। पुलिस वगैरह एटीएस के जवान घर पे आए थे? कोई तलाशी आए थे हमारे घर में, तलाशी लिया है, मेरा मोबाइल लेके गए हैं, मेरे पापा का मोबाइल लेके गए हैं। अच्छा। और मोबाइलों के डिब्बे लेके गए, हमारी निकाह की रसीदें लेके गए हैं, मेरी शादी हुई है, मेरी बाजी की, मेरे भैया की, सबकी निकाह की रसीदें ले गए, और पहचान पत्र ले गए, और जब जरूरी कागजात हैं वो भी ले गए हमारे घर से। कौन लोग हैं? वो बीमारी वाले कार्ड जो होते हैं, जो हाँ जो मोदी जी ने बनवाए हैं, वो भी ले गए हमारे घर से। तो मोदी जी, योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे उनसे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए। बस ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को गुमराह ना करें, कल को इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी भाई बहन होंगे, तो कि अपने भाई बहन बहनों के साथ ऐसा करें ना, अपने बच्चों को डालें ना जेलों में, औरों के बच्चों को क्यों डालते हैं जेलों में? कभी घर में जैसे भाई हैं आपके, कोई बात होती थी, कोई इस तरह की बात होती थी? नहीं, हमसे इस तरह की कभी उन्होंने बात नहीं की। जैसे अफगानिस्तान में? नहीं, उन्होंने कभी नहीं की। वो मोबाइल में सिर्फ वीडियो वगैरह देखते थे, सिर्फ यही बात है। जैसे बच्चे देखते हैं, जैसे हम भी देखते हैं वीडियो जो नेट पे आती है, सिर्फ वो ही देखते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं। इल्जाम वो लगा रहे हैं कि ये मुतासिर थे मुजाहिदीन से, नहीं नहीं नहीं, इतना छोटा बच्चा मुजाहिदीन नहीं बन सकता। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र होगी 21-22। अच्छा। हाँ, मुझसे छोटे हैं। क्या साल हो गए शादी को भी? 3 साल हो गए। क्या बच्चे इनके? एक लड़की है बस। हाँ, 3 साल से कम की है। इनकी पत्नी है वो, आपने बताया मध्य प्रदेश के रतलाम, मध्य प्रदेश की, आसमा नाम है। क्या आप लोगों ने इनको बेदखल भी कर रखा था? बेदखल कर रखा हमने, जब इन्होंने शादी करी थी जब से बेदखल है। अखबार वगैरह में निकलवाया था? अखबार में भी निकलवाया है, और हम पे फोटो कॉपी भी हैं। हाँ हाँ, सब है। आपके वालिद साहब ने इनको बेदखल? हाँ, बेदखल कर रखा, हमारे वालिद साहब नहीं बोलते। क्या नाम है इनकी बीवी का? इनकी बीवी का 2 नाम है, आसमा नाम है। अच्छा। और एक खतीजा। मतलब बीवी के 2 नाम है? 2 नाम है। अच्छा, आसमा और खतीजा। हाँ, ये बताइए, ये जो आपके भाई है, इनका असली नाम क्या है? उन्होंने शाहरुख भी लिखा उसमें? नहीं, शाहरुख हम प्यार में कहते हैं, उनका नाम अहमद रजा है।